हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, और उसमें हम लोग को बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे, जिसमें हमने सबसे पहले जो शुरू किया था वो शुरू किया था चार्ज। उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, फिर हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस पढ़े थे, फिर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, फिर अभी पिछले वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इतने टॉपिक्स को कवर करने के बाद आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 7, जो कि आज इन टॉपिक पर बेस्ड होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को पढ़ने से पहले जो पिछली क्लास में पढ़ा दी गई हैं चीज़ें, उनको आप पढ़ के आए होंगे, मतलब वीडियो लेक्चर नंबर 1-2, वीडियो लेक्चर नंबर 6 तक आप क्लियर कर चुके होंगे। यदि आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आप टाइप कर लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, जो भी आपको पढ़ना है भाई मोहम्मद आलम अंसारी, या आप ऐसे सर्च कर लीजिए आलम फाउंडेशन क्लासेस, आपको मेरे पुराने वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि वो कितना तेजी से वो किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें मेन फैक्टर था हमारा फोर्स, ठीक है। तो आज हम किसी चार्ज पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है क्यू, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि इस चार्ज से अगर मैं कहूं कि कोई यहां, इसका अपना एक फील्ड होगा, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इस चार्ज का एक अपना फील्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आप इस बात से सहमत है कि इस चार्ज का एक अपना फील्ड होगा। तो अगर मैं कहूं कि कोई चार्ज पार्टिकल यहां रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब ये जब चार्ज पार्टिकल यहां आएगा तो फोर्स की क्या वैल्यू होगी, यहां आएगा तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो वो इंटेंसिटी यहां भी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी उन दोनों चार्जेस के बीच में, जिस चार्ज के थ्रू हम जिस चार्ज पे निकालेंगे या जिस पॉइंट पे निकालेंगे उस पर। तो आइए चलिए करते हैं इस प्रूफ को, ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि एक चार्ज है क्यू प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज है बिंदु को ऊपर रखा है, जो हम मानेंगे वही हम लिखते चलेंगे। लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ। आपसे मेरा एक विनम्र रिक्वेस्ट है, विनम्र आग्रह है कि आप जब भी नोट्स बनाइए तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा, मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो बहुत टाइम इन्वेस्ट होगा। हमने क्या किया है, माना कि एक प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, पहली बार है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, माना कि एक धनात्मक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। कहाँ स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है। माना कि एक धनात्मक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, कहां पर स्थित है, बिंदु ओ पर। इससे आर डिस्टेंस पर एक बिंदु पी है, तो हम वही लिखेंगे, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आर दूरी पर एक बिंदु क्या कंसीडर कर लिया हमने, पी, जो हम वहां डायग्राम में बनाएंगे वही हम अपने थ्योरी में भी लिखेंगे। तो हमने डायग्राम में क्या किया, प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया, जहां पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने लिख दिया कि जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, इसके लिए हम बिंदु पी पर एक टेस्ट चार्ज क्यू जीरो मान लेते हैं, तो फिर लिखेंगे माना कि, पहला चेंज करके यहां से लिखा जाए, माना कि बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश क्यू जीरो स्थित है, ठीक है। तब
कुलाम के नियमानुसार, कुलाम के नियमानुसार। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, हमें इस चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। हमने यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q0 कंसीडर कर लिया, दो पॉइंट चार्जेस हो गए, r डिस्टेंस पे है, दो बिंदु आवेश r दूरी पे रखे होते हैं, तो उन पे जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स। ये पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा F। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप पिछली क्लास को नहीं पढ़े रहेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको दिक्कत करेंगी, तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पिछली चीजें पढ़ के आइए तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। कुछ करना नहीं, आपको आलम फाउंडेशन क्लासेस टाइप कर दीजिए, आपको सारे मेरे वीडियो लेक्चर्स वहां मिल जाएंगे। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, वहां से उठा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लीजिए, या आप ऐसे टाइप कर लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट वन बाय मोहम्मद आलम अंसारी, आपको मेरा वीडियो लेक्चर वहां से मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए, अब यहां से इस Q आवेश से इस r दूरी पर जो Q0 रखा है, इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, F। तब कूलम्ब के नियमानुसार F is equal to, एक बात और मानते हैं कि दोनों आवेश निर्वात में हैं, तब F is equal to क्या हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2, तो Q into Q0 upon R square, equation number first। इतना पॉज करके नोट कर लीजिए, हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए, अब ये तो फोर्स आ गया, तब तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या मिलेगा हमको, परिभाषा से हमने पढ़ा है वेक्टर E बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो, चूंकि हमें मैग्नीट्यूड यूज करना है तो हमने इसलिए मॉड लगा दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो। अब ध्यान दीजिए, मैंने बोर्ड पे इस लिस्ट को बचा के रखा है ताकि मैं इसको सॉल्व करते समय लिख सकूं, E इज इक्वल टू एफ कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यानी कि जो E है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर मैं यहां इंटेंसिटी पूछूं और यहां पूछूं p डैश पे पूछूं, तो कहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा, यहां इंटेंसिटी ज्यादा होगा इस चार्ज के थ्रू, क्यों भाई, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा होगा। जैसे कूलम्ब लॉ में भी हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वह डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह आपसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होंगे, वहां भी जो फोर्स होता है दो m1 m2 मास के बॉडीज के बीच में, तो वहां भी कितना होता है, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है कौन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मिटा दूं, चलिए अब यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम E और R के बीच में। अगर हम E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, ध्यान दीजिए, अगर मैं E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, जैसे जैसे हम R इंक्रीज करेंगे, ठीक है, E उतना ही तेजी से क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज, यहां पे यूनिट भी लिख लीजिए न्यूटन पर कूलम्ब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो पॉइंट चार्ज था, कोई एक पॉइंट चार्ज था उसके थ्रू किसी पॉइंट पर हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अगर कहता है कि कहीं पे बहुत ढेर सारे चार्जेस हों, एक से ज्यादा चार्जेस हों, और किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, तब हम वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें चार्ज दे दिया जाए Q1, चार्ज दे दिया जाए Q2, चार्ज दे दिया जाए Q3, चार्ज दे दिया जाए Q4,
और हमें इस पॉइंट पर मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, दिस इज द आर वन आर टू आर थ्री आर फोर जो कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर बहुत सारे चार्जेस हों Q1, Q2, Q3 कई चार्जेस हों, तो उनके कारण जो लास्ट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आ जाएगा, जो फाइनल नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4, जो उसका डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर सम कर लेंगे। बहुत सारे आवेश होंगे तो उनके कारण प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उनको ऐड करते हुए चले जाएंगे, हमको नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पे एक स्क्वायर बना हुआ है, इस पे चार्जेस रखे गए हैं Q Q Q Q, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड का लिया है, आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये ए ए ए ए हमने इसके साइड ले लिए, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ पर जो सेंटर पे है इस पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर मैं बताता हूं आपको, एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पर आवेश रखे गए हैं, आपसे कह रहा है कि इसके केंद्र पर क्या बताएं। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें क्या करना है, पॉइंट ओ पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पहले हर चार्ज से इस पॉइंट ओ की डिस्टेंस पता होनी चाहिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या करना होगा, अगर ये पूरा ए है, ये कितना हो जाएगा ए बाई टू, ये कितना हो जाएगा ए बाई टू, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको एम मान लूँ, इसको पी मान लूँ, इसको ओ, तो पी एम ओ से क्या हो जाएगा, हमको पी ओ चाहिए, तो पी ओ इज इक्वल टू रूट, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बनेगा, कर्ण बनेगा, आधार का स्क्वायर ए बटा दो का स्क्वायर प्लस ए बटा दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बटे फ्रैक्शन ए स्क्वायर बाई फोर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर, दैट मीन्स रूट टू ए स्क्वायर बाई फोर, टू टू या फोर, ए बाई रूट टू, यह आ जाएगा ए बाई रूट टू, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बाहर करेंगे उस पॉइंट को, देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, बहुत इजी है, पहले उस पॉइंट को बाहर कर लिया, ठीक है। अब देखिए माइनस क्यू चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, याद करिए, रिमाइंड करिए लेक्चर नंबर 6, जिन्होंने नहीं पढ़ा है यूट्यूब पर जाके पढ़ लें, लेक्चर नंबर 6 क्या होगा, वहां भी आपको पढ़ाया है माइनस चार्ज के थ्रू क्या होता है किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज की टुवर्ड्स द चार्ज, गुड, टुवर्ड्स द चार्ज होता है, आवेश की ओर होता है, प्लस के कारण आवेश से दूर, तो इस माइनस के कारण क्या होगा, इस पॉइंट पर मैं इसको अगर पी नाम दिया हूं तो इसको क्यू, इसको आर और इसको एस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इस पी, ठीक है, तो इस पी वाले के कारण, इस चार्ज के कारण क्या हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हो जाएगा ई पी, ठीक है, ई पी, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा टुवर्ड्स द चार्ज। फिर इसके थ्रू देखिए, इस माइनस वाले के थ्रू, ये भी तो अपनी तरफ खींचेगा, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई आर। प्लीज ध्यान से समझिए, माइनस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे फिगर को भूल जाइए, सिर्फ हम याद रखिए कि माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे, और इससे आर ए बाय रूट टू डिस्टेंस पर एक पॉइंट ओ है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर इधर माइनस वाला आ जाएगा माइनस क्यू, तो उसी के तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे जो दूसरे वाले का बनाएंगे वो ये आर हो जाएगा। क्यू, इस कैपिटल क्यू, इस चार्ज तो यहाँ पे क्यू है, ये पॉइंट है क्यू, इस पॉइंट क्यू पर जो चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसके थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, ई क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैग्नीट्यूड ले रहा है, अब इस यस वाले पर देख लीजिए, यस वाले पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो इससे दूर जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यस। आप देख रहे हैं हर एक दूसरे के, चाहे ई आर लीजिए वो ई पी के अपोजिट है, ई क्यू लीजिए वो ई एस के अपोजिट है। अब देखते हैं क्या ये दूसरे के सेम भी है, ई एस की वैल्यू फाइंड करिए, के
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने क्या लिख दिया, फॉर्मूला प्रूफ किया था, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू की जगह क्यू, आर स्क्वायर की जगह क्या होगा, यहां भी डिस्टेंस ए बाई रूट टू होगा, तो ए बाई रूट टू का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ईएस इक्वल टू के क्यू ए स्क्वायर बाई टू, ये ऊपर चला जाएगा के टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ई क्यू लिखते हैं, ई क्यू भी क्या होगा, ई क्यू बराबर के क्यू, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही है, क्यू के लिए भी ध्यान दीजिए, ई क्यू इस पॉइंट पर भी चार्ज वही है, डिस्टेंस भी वही है, तो क्या हो जाएगा, ए ए बाई रूट टू का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ई क्यू क्या मिल जाएगा हमें, के इंटू टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसी तरह से ई पी लिखेंगे, के क्यू 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 है, डिस्टेंस भी ए बाई रूट टू का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ई पी इक्वल टू के टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यहां भी आ जाएगा के टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, वेक्टर सम के अकॉर्डिंग जो ई पी है वही ई आर है, ई पी इक्वल टू ई आर, बट ये अपोजिट है, देखिए जितना इधर इंटेंसिटी है उतना ही अपोजिट है, तो नेट क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी जीरो, तो नेट इंटेंसिटी नेट कितना हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा, नेट ई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, किसका किसका, पी आर का। इसी तरह से ई क्यू और ई एस को देखिए, जितना ई क्यू है ध्यान दीजिए, जितना ई क्यू है उतना ही ई एस भी है कि नहीं है, उतना ही ई एस भी है, तो इनका भी नेट क्या हो जाएगा, ई क्यू इक्वल टू ई एस, तो नेट ई क्यू एस का क्या हो जाएगा, जीरो, तो जो बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता आएगी तो वो क्या हो जाएगी, बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता वो कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं जहां पे जीरो होने की कंडीशन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसा सेट किया गया था क्वेश्चन कि जीरो आ गया, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में जीरो आएगा, अगर मैंने इसको प्लस किया इसको माइनस कर दूं, तो इसको प्लस करूंगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, इसको माइनस करूंगा तो टुवर्ड्स द चार्ज जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, इसको माइनस किया इसको प्लस कर दूं तो इसको माइनस किया है तो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो इधर हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल आप निकाल लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ रिलेटिव फील्ड आपको मिल, रिलेटिव फील्ड जो पॉइंट चार्ज समझ रहे थे, कहीं भी आपको एक बात समझा दूं मैं, कहीं भी आपको चार्ज क्यू दिखेगा और आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट देगा और आपसे इंटेंसिटी ऑफ रिलेटिव फील्ड पूछेगा, तो आप इस बात को याद रखिएगा, ये लाइन आपको हमेशा लर्न आउट रखनी है, के इक्वल टू ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की बात याद रखनी है। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, द्वि मतलब होता है दो और ध्रुव मतलब होता है दो ध्रुव, यहां वैद्युत का मतलब होता है आवेश, तो और ध्रुव का मतलब है गया कि यहाँ पे दो अलग अलग पोल, तो एक धनावेश और एक ऋणावेश, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब है, ठीक है, तो जब दो आवेश, दो बराबर और विपरीत आवेश, देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, देखिए ध्यान से दो पॉइंट चार्ज हो गए, दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ठीक है, बहुत ही न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को, ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसी व्यवस्था को हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जब दो बराबर और विपरीत आवेश, जब दो बराबर व विपरीत आवेश, वो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, तो यह निकाय या सिस्टम क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे मैं ए और बी पर हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज मान लिया, सेम मैग्नीट्यूड है क्यू एंड क्यू, एंड डिस्टेंस बिटवीन
रेनबो चार्जेस इज 2L, 2L इज मिनिमम डिस्टेंस, इस बात का ध्यान देंगे, और वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण कर रहे हैं। एग्जांपल में जैसे HCl आता है हमारे पास, HCl अब जानते हैं H प्लस डेल्टा प्लस Cl माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दो बराबर और विपरीत आवेश हो गए, ठीक है, H2O आता है, ठीक है, उसके बाद से हमारे पास H2S आता है, ठीक है, इसके बाद और क्या आता है हमारे पास, CCl4 आता है, etc, ठीक है। यह बना लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, ठीक है, यहां तक आप नोट कर लें। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एंड ऑन पोजीशन, मतलब किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, निरच्छी स्थिति और बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर किसी सर्कुलर रिंग के थ्रू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज सीट के थ्रू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग दोनों कंडीशन में पढ़ेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस एक दो लेक्चर और मैं पढ़ा लूंगा, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8, आज का 7 है, 8 और 9 जब पढ़ा लेंगे हम आपको, तो फिर हमको 10 और 11 दो लेक्चर लगेंगे, इन पर बेस्ट क्वेश्चंस कराएंगे। जो क्वेश्चंस मुझे अभी लगेंगे वो मैं अभी कराते चलूंगा, बाकी एक स्पेशली क्वेश्चंस का मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक सीरीज वाइज पढ़ते रहिए, सिस्टमेटिक पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसी चैनल पर आपको केमिस्ट्री भी मिल रही है, हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन्स हमने पढ़ाना शुरू किया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का वीडियो लेक्चर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तैयार करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रिविजन करते रहिए। थैंक यू, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है, और प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।